स्पोकन इंग्लिश। अब अंग्रेजी बोलना हुआ आसान। सोलह, वेयर आर द अदर फ्रेंड्स? इस वाक्य का मतलब है कि दूसरे मित्र कहाँ है। याद रखिए दोस्तों, इज आई एस इज का बहुवचन ए आर ई आर होता है, अदर यानी दूसरा और अनदर यानी दूसरा कोई एक। उदाहरण के लिए, दिस इज अनदर बुक, यह एक दूसरी किताब है। टेल मी अनदर वर्ड, मुझे दूसरा एक शब्द कहो। फ्रेंड्स का मतलब है मित्र। पुरुष या स्त्री दोनों के लिए एक ही शब्द फ्रेंड इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से इस वाक्य का मतलब होगा, दूसरे मित्र कहाँ है या फिर दूसरे सहपाठी कहाँ है। सत्रह, दे आर ऑन द प्ले ग्राउंड। इस वाक्य में ऑन द प्ले ग्राउंड यानी खेलने के मैदान पर। प्लेग्राउंड का मतलब है खेलने का मैदान। ऑन यानी ऊपर, जैसे कि ऑन द टेबल यानी टेबल पर, ऑन द बुक यानी पुस्तक पर आदि। इस तरह से इस वाक्य का मतलब होगा, वे खेलने के मैदान पर है। अठारह, इट्स 5 o'clock, इट्स टाइम टू प्ले, मम्मा आई एम गोइंग आउट टू प्ले। इट्स 5 o'clock यानी 5 बजे है। क्लॉक यानी दीवार पर टंगने वाली घड़ी, उसके ऊपर से o'clock यानी ऑफ क्लॉक का मतलब है घड़ी। उस पर से हम इस तरह से कह सकते हैं, टाइम यानी समय, टाइम टू प्ले इसका मतलब है खेलने का समय। दोस्तों, हमें ये प्रयोग सीख लेना चाहिए। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। इट्स टाइम टू गो टू स्कूल, इस वाक्य का मतलब है पाठशाला में जाने का समय हो गया है। स्कूल यानी पाठशाला और गो यानी जाना। इट्स टाइम टू डू माय होमवर्क, मेरा घर काम करने का समय हो गया है। होमवर्क का मतलब है घर काम या फिर गृह कार्य। इट्स टाइम टू गो फॉर अ वॉक, मेरा चलने जाने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू गेट अप, इसका मतलब है मेरा उठने का समय हो गया है। मम्मा यानी माँ या फिर मम्मी। आई एम गोइंग आउट टू प्ले, इस वाक्य का मतलब है मैं खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो इस तरह से इस वाक्य का मतलब होगा, 5 बजे है, खेलने का समय हो गया है, मम्मा मैं खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ। 19, वेरी वेल, डोंट बी लेट फॉर डिनर। डोंट डू नॉट का संक्षिप्त रूप है। वेरी वेल यानी बहुत अच्छा। वेल जब नाम के रूप में उपयोग होता है तब उसका अर्थ है कुआं। इसका दूसरा अर्थ है तबीयत ठीक होना। कोई तुम्हें तुम्हारी तबीयत के समाचार पूछे, जैसे कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो उसके उत्तर में आप क्या कहोगे? आप कह सकते हैं, आई एम क्वाइट वेल थैंक यू, मेरी तबीयत एकदम अच्छी है। तबीयत के समाचार पूछने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। डोंट बी लेट यानी देर मत करना। टू बी यानी हुआ या फिर होना। लेट का मतलब है देर।
लेट का विरोधी शब्द है अर्ली। अर्ली यानी जल्दी। अब हम देखेंगे दोस्तों दिन के अलग अलग समय पर लिए जाने वाले भोजन को क्या कहते हैं। सुबह के 7-8 बजे के नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट शब्द का उपयोग होता है। दोपहर के 1 बजे के बाद में लिए गए भोजन को लंच कहते हैं। शाम को 4 बजे लेने वाली चाय के लिए टी शब्द इस्तेमाल होता है। रात को लिया जाने वाला भोजन डिनर कहा जाता है। यदि दिन को भारी खाया हो और रात को हल्का भोजन किया हो तो उसके लिए सपर शब्द उपयोग होता है। फॉर डिनर यानी रात के खाने के लिए। इस तरह से इस वाक्य का मतलब होगा वेरी वेल डोंट बी लेट फॉर डिनर, यानी अच्छा खाने के लिए देर मत करना। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।